नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिमझिम होटल को नगर निगम प्रशासन ने किया सील, शराब मामले में कोर्ट ने जारी किया था आदेश। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, भारत को विदेशों में बदनाम करने का लगाया आरोप। नवगछिया में हथियार के बल पर अपराधियों ने मक्का व्यवसायी से लूटे रुपये, एसपी बोले सीरियल लूट का है मामला। स्नान करने गए बच्चे की गंगा में डूबने से हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने एसडीआरएफ और थाना प्रभारी पर लापरवाही का लगाया आरोप। और भागलपुर से हवाई सेवा को लेकर मस्जिद में हुई विशेष दुआ, सदस्यों ने कहा संघर्ष रहेगा जारी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर नगर निगम प्रशासन ने शुक्रवार को तिलकामांझी चौक स्थित रिमझिम होटल को सील कर दिया। इसके पूर्व नगर आयुक्त ने जिला प्रशासन के आदेश पर होटल संचालक पर कार्रवाई करते हुए जमीन का लीज रद्द कर दिया था। वहीं होटल खाली करने के लिए निगम प्रशासन ने संचालिका सुलोचना देवी को पत्र भेजकर 2 जून तक का समय दिया था। गौरतलब हो कि नगर निगम ने भूखंड को व्यवसाय करने हेतु लीज पर दिया था, जिसका उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों में किया गया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर निगम की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होटल को सील कर दिया। बता दें कि नगर निगम द्वारा सील बंद रिमझिम होटल के निचले तल के एक कमरे से 18 बोतल विदेशी शराब की बोतल उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया था। यह घटना 13 अक्टूबर 2020 की है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया था। होटल संचालक ने आरोप पर अपना पक्ष भी रखा था, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर होटल की संलिप्तता समाहर्ता की सुनवाई दौरान पाई गई। इधर रिमझिम होटल को सील करने और अतिक्रमण हटाने गई टीम में इंजीनियर राकेश कुमार सिन्हा, अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य, आईटी सेल प्रभारी मोहम्मद शब्बीर अहमद, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी जय प्रकाश यादव, वशिष्ठ चौधरी, जय कुमार पांडे सहित कई कर्मी मौजूद थे। बेगूसराय सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें देश और दिशा का ज्ञान नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हुए अब भारत को गाली देने लगे हैं। गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वो नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग देश को विदेशों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश की सीमा पर चाइना से विवाद हो या अरुणाचल का मामला सामने आया, तो राहुल गांधी संबंध में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात किए बिना सीधे चाइना के एम्बेसी पहुंच जाते थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लद्दाख अब ग्रीन एनर्जी का हब बन रहा है। आज दुनिया में मोदी को गाली देते देते भारत को गाली देने लगे, जो लेह और लद्दाख आज ग्रीन एनर्जी का हब बन रहा है, भारत के द्वारा उन्होंने गाली देने का काम किया, यूक्रेन बना दिया। मैं समझता हूं उनका दोष नहीं है, उनके समझ का दोष है। भारत आज तरक्की के रास्ते पर जा रहा है और लोग भारत को टुकड़े टुकड़े, गैंग भारत को बदनाम करने के लिए मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करते। पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत चेक पोस्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित ओवरब्रिज के समीप गुरुवार को कटिहार के कुशैला निवासी मक्का व्यवसायी शिवनारायण मंडल से अज्ञात अपराधियों द्वारा 1,20,000 रुपए की छिनतई का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कुशैला निवासी मक्का व्यवसायी नवगछिया के एक्सिस बैंक से रकम निकाल कर अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी रंगरा चौक के पास 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधी ने शिव नारायण मंडल को ओवरटेक कर उसे रोका, और जब तक पीड़ित व्यवसायी कुछ समझ पाते, तब तक अपराधियों ने उनके पास से पैसे का थैला झपट कर कटिहार की ओर फरार हो गए। वहीं इसके बाद व्यवसायी ने लूटकांड की जानकारी रंगरा थाने को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष मेहताब खान व्यवसायी को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। इधर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि एक ही गिरोह के अपराधी द्वारा सीरियल लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और इस तरह की घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम नगोशिया एक्सिस बैंक से आ रहे थे,
रंगराज चौक से 200 किलोमीटर दूरी पर चारठो दो बाइक से चार सवार आ करके और ओवरटेक करके गाड़ी लड़ा करके खड़ा करके पैसा छीन लिया। कितना पैसा था आपके पास? 1,20,000। 1,20,000 जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना खबर दिए, थाना का आदमी खोज रहा है। भागलपुर के सबौर इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप गंगा में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे गुलशन कुमार की मौत हो गई। गंगा में डूबने वाला बच्चा भागलपुर हवाई अड्डा सचिदानंद नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान करने के लिए गया था। तभी अचानक स्नान करने के दौरान वह गंगा में डूब गया। वही बच्चे को डूबता देख उसके माता पिता ने वहां मौजूद लोगों से बच्चे को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इधर लोगों का कहना है कि घटना की जानकारी फोन पर एसडीआरएफ की टीम को दे दी गई थी, लेकिन बच्चे के डूबने के काफी देर बाद भी एसडीआरएफ टीम मौके पर नहीं पहुंची। जबकि फोन पर वहां बताया जाता रहा कि टीम अपने कार्यालय से घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। इसके अलावा प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाते हुए 0 माइल थाना प्रभारी पर भी लोगों ने कोई पहल नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि घटना के बाद गुलशन के घर वाले गहरे सदमे में हैं। करीब 1 माह तक धरना देने के बाद भी भागलपुर में हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। इस दौरान लोगों ने नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की बातों पर भरोसा जताया था, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अब भागलपुर हवाई जहाज संघर्ष समिति के लोग मस्जिद में द्वार मंदिर में पूजा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को तातारपुर स्थित मस्जिद में सामूहिक दुआ की गई, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी और काफी संख्या में नमाजी शामिल हुए। लोगों ने बताया कि दुआ के माध्यम से भागलपुर में हवाई सेवा बहाल होने की प्रार्थना की गई है। गौरतलब है कि को लेकर गुरुवार को नौजवान अंजुमन कमेटी की बैठक तातारपुर में मोहम्मद शहजादा खान की अध्यक्षता में हुई थी। डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, विजय यादव, कमल जायसवाल, तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार और संगीता तिवारी ने बताया कि पूजा हवन और दुआ के जरिए शहर से जल्द हवाई सेवा शुरू हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। इस अवसर पर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के प्रवक्ता विनय कुमार सिन्हा, आशिफ सलीम खान, आनंद मिश्रा समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोग तातारपुर जामा मस्जिद के अंदर आज ये दुआ किया है कि भागलपुर से जल्दी से जल्दी हवाई सेवा शुरू हो जाए, ताकि उन मरीजों को भी हो फायदा, बिजनेसमैन को भी है, आम जनता को भी है। जहाँ तक ताल्लुक है, पहले हम लोगों ने 33 दिन तक धरने पर बैठे, बहुत तरह से आश्वासन मिला, उसके बावजूद वो काम हुआ नहीं है। हम लोग अब दुआ कर रहे हैं, अभी हवन कराया, अब दुआ कर रहे हैं, चर्च में दुआ प्रार्थना हो रही है और यही है सभी लोगों से जल्द भागलपुर से हवाई सेवा शुरू। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष शुक्रवार को लंच आवर में सर्किल यूनियन एनएफटी के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूनियन की ओर से बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में बीएसएनएल कर्मियों ने आक्रोश जताते हुए बीएसएनएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बीएसएनएल कर्मियों और यूनियन के नेताओं ने भागलपुर बीएसएनएल के महाप्रबंधक महेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाया और विभाग के आला अधिकारियों से जीएम के खिलाफ
जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने जीएम पर स्टोर का 8 करोड़ का घोटाला करने के अलावा बिजली घोटाला, रिचार्ज और सिम घोटाला समेत कई और भी तरह से विभाग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सक्षम पदाधिकारी से इन सभी मामले की जांच कराने और कर्मचारियों के हित में फैसले लेने की मांग सीजीएम से की। साथ ही कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को अविलंब समाधान कर सकारात्मक पहल करने की बात कही। एनएफटीए के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने कहा कि जीएम महेश कुमार के संरक्षण से यहाँ के कई अधिकारी भी घोटाले में शामिल हैं और यूनियन सीजीएम समेत विभाग के उच्च अधिकारियों से तमाम मामलों के निष्पक्ष जांच की मांग करती है। साथ ही कहा कि कुछ माह पूर्व में भी इस मामले को लेकर कई दिनों भागलपुर महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में धरना दिया गया था, जिसके बाद सीजीएम से वार्ता के बाद मिले आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था, लेकिन अब तक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर काली प्रसाद, दिलीप यादव, विपिन यादव, कैलाश ठाकुर, रहीम अंसारी समेत काफी संख्या में बीएसएनएल कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग पूरे बिहार में अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पिछले 8 दिसंबर तक 8-10 दिन हड़ताल थी और एजिटेशन किए थे। उस पर सीजीएम ने वहाँ वार्ता किया हमारे सर्किल सेक्रेटरी से और इसका आश्वासन मिला कि सारा काम आपका जो है हम लोग जल्द ही कर देंगे। लेकिन यह महेश कुमार इतना चोर है, इतना घोटालेबाज है, ये यहाँ जैसे जाके माल वहाँ जमा कर देता है और वहाँ डी एडमिन इसके सब माल को बचाने में लगा रहता है। 8 करोड़ का स्टोर का घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला सीम का हुआ, अभी इसका मार्केटिंग चला गया 1,82,00,000 पर, जबकि यहाँ एवरेज 9 से 10 लाख रुपया होता है। इसका जो अधिकारी सब चोर है, सबको ही संरक्षण देता है। जो ठाकुर का स्टोर का घोटाला 8 करोड़ का घोटाला है, हम लोग जांच का मांग किए हैं और आपके द्वारा फिर मांग करते हैं। उस ठाकुर को उससे सीनियर अफसर रहने के बावजूद उसको एडमिन बना दिया, डी प्लानिंग बना दिया, डी सब्स बना दिया, डी फोन्स बना दिया, सब चीज उसी को इनाम में दिए जा रहा है। शुक्रवार की अहले सुबह धोरैया थाना क्षेत्र के सातपुर लहोड़िया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शव की शिनाख्त लहोड़िया गांव निवासी रमेश यादव के 19 वर्षीय पुत्र निवास कुमार यादव उर्फ अविनाश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन युवक को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे धोरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय घटनास्थल से शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बांका भेज दिया। लोगों ने बताया कि मृतक निवास कुमार दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और एक दिन पूर्व ही वह दिल्ली से अपने घर लहोड़िया गांव आया था। वहीं गुरुवार की रात को वह अपने दोस्त के बुलाने पर ट्रैक्टर में मजदूरी करने गाँव गया था और शुक्रवार को घर लौटने के क्रम में वह तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर पुलिस ने मृतक के पिता रमेश यादव के फर्द बयान पर ज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस जिला नवगछा के कंचनपुर दियारा में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में सनोज कुमार नामक अपराधी को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए घायल को पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी सनोज कुमार पुलिस जिला नवगछा में लगातार लूट की घटना को अंजाम दे रहा था, जिसको लेकर नवगछा एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है, जबकि इसके अलावा पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जगदीशपुर अंचल अंतर्गत हबीपुर थाना क्षेत्र के अंबई शाहलेपुर के विमल कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, भागलपुर जिला अधिकारी और जगदीशपुर अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की गुहार लगाई है। दरअसल कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर ग्रामीण विमल कुमार ने आवेदन देकर अंबई शालेपुर गांव में बिहार सरकार जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। वहीं जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर घर भी बना लिया है, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। इसको लेकर विमल ने बताया कि गांव में कोई सरकारी जमीन नहीं रहने के कारण गांव के लोग सरकारी सुविधा से वंचित रह जाते हैं, जबकि किसी तरह की योजना आने पर भी सरकारी जमीन के अभाव में ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे गाँव अंबई शालेपुर में कुछ सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके पक्का मकान बना लिया है, जो कि हमने कुछ बड़े पदाधिकारी को लिख के दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे समाज में कोई भी सरकारी सुविधा का कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं ले पा रहे हैं,
अगर वो क्लियर हो जाता है उस जमीन को, अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है, तो बहुत सारी सुविधाएं, आंगनबाड़ी, जल मीनार, ये सब का लाभ मिलेगा ग्रामवासी को। समस्या ये है कि हमारे मौजा अंबय में थाना नंबर 163 अंचल जगदीशपुर पड़ता है, जिला भागलपुर, जिसके अंदर खाता 25 का खसरा 35 है, उसमें 8 डिसमल जमीन है जो गैर मजरुआ बिहार सरकार के नाम से नया खतियान बना है। उस पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से पक्का मकान बना लिया है, कोई एक मंजिला कोई दो मंजिला। हम लोग चाह रहे हैं सारे ग्रामवासी कि यदि वह खाली हो जाए विधिवत तरीके से सरकार के द्वारा, तो उस पर समाज के कुछ लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को कुछ ऐसा लाभ मिले जिससे सरकारी योजना के तहत, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, जल मीनार इत्यादि हो गया, यहाँ पर मूलभूत सुविधा से सारे समाज के लोग वंचित रह रहे हैं। कोई भी सरकारी योजना अगर आता है तो उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिहार के राजगीर में बंद कमरे में कांग्रेस पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन की मजबूती और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर घंटों चर्चा की गई। वहीं इसको लेकर बिहार कांग्रेस के नेता विधायक दल सह भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस जनता की परेशानी को समझने के लिए हर गाँव तक जाएगी और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर जनता से फीडबैक भी लेगी। अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के साथ अगस्त माह में पदयात्रा निकालकर हर जिले में 75 किलोमीटर पैदल मार्च करेगी, जबकि इस दौरान आजादी के बाद कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी। हम लोग को गांव-गांव तक जाना है, जनता की कठिनाई को देख रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब के खिलाफ में जनता से लेकर फीडबैक लेना है और उसके लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। और आपको बता दें, हम लोग का फिर पदयात्रा भी है, हम लोग गाँव गाँव चलेंगे, हर जिला में पूरे जिला के वर्कर्स को 75 किलोमीटर हर जिला में लोग पैदल चल के जनता को बताना है कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से क्या क्या काम किया। एक पिन बनाने की फैक्ट्री तक नहीं थी, कोई खाद बनाने का नहीं था, और कांग्रेस जो बनाया आज भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष को लेकर भारतीय शिक्षा समिति की ओर से गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगाकोठी के प्रांगण में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय सचिव दिलीप कुमार झा, प्रदेश मंत्री भरत पूर्वे, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, पटना विभाग के निरीक्षक रमेश मणि पाठक एवं प्रांतीय प्रचार संरक्षक राकेश नारायण अम्बस्ट ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बता दें कि 20 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग में नए शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद उन सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान दिलीप कुमार झा ने कहा कि शिक्षा समाज का आधार होती है और यह सुधारों को जन्म देने के साथ नए विचारों के लिए रास्ता भी बनाती है। मौके पर प्रधानाचार्य समेत काफी संख्या में शिक्षक और प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की जो प्रांतीय इकाई अपनी दक्षिण बिहार की जो भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति जो प्रांतीय समिति है, इसके तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष आचार्यों के विकास के लिए आचार्यों के अंदर शैक्षणिक विशिष्ट गुणवत्ता शक्ति बढ़े, गुणवत्ता आए उनके अंदर, संगठनात्मक दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी समझ आए उनके अंदर, इसलिए विभिन्न प्रकार के वर्ग हम लोग प्रति वर्ष आचार्यों का जो है लगाते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। रिमझिम होटल को नगर निगम प्रशासन ने किया सील, शराब मामले में कोर्ट ने जारी किया था आदेश। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, भारत को विदेशों में बदनाम करने का लगाया आरोप। नवगछिया में हथियार के बल पर अपराधियों ने मक्का व्यवसायी से लूटे रुपये, एसपी बोले सीरियल लूट का है मामला। स्नान करने गए बच्चे की गंगा में डूबने से हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने एसडीआरएफ और थाना प्रभारी पर लापरवाही का लगाया आरोप। और भागलपुर से हवाई सेवा को लेकर मस्जिद में हुई विशेष दुआ, सदस्यों ने कहा संघर्ष रहेगा जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।